हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, 12th क्लास की केमिस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। इस वीडियो में आज हम कराएंगे नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में यानी कि जो नाम वाली रिएक्शन होती हैं वो वाली, ठीक है, नाम वाली अभिक्रियाएं। जैसे आपकी पहली हमने लिख रखी है कैनिजारो अभिक्रिया, तो ये जानेंगे कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है। तो ये सब हम जानने वाले हैं नाम वाली रिएक्शन, ठीक है। ये आपके 5 अंक दिलाती हैं, आपकी 5 रिएक्शन आ जाएंगी या कम से कम 3 आ जाती हैं। पेपर में बहुत ही ज़्यादा आती रहती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रियाएँ हैं। तो हम एक एक करके सभी क्रिया को पढ़ेंगे। आज हम क्रिया पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने देखो लिख रखा है, पहले तो ये जानेंगे, फिर आपको रिएक्शन बनाना सिखाएंगे हम, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। यानी कि ये लिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ठीक है। विहीन का मतलब नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन यानी जिसमें ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, उनको सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रिया में एक एल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण बनता है या प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है कि यानी कि एल्डिहाइड को हम किसके साथ गर्म करेंगे, यानी किसी भी एक एल्डिहाइड को, एक बार ध्यान से समझ लेना, एल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करें या NaOH के साथ मिलाएं और अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, एक तो वसीय अम्ल बनता है। एक क्या बनता है आपका, एक बनेगा वसीय अम्ल बनेगा, ठीक है। और एक क्या बनता है आपका, देखो लिखा हुआ है आपके पास में, एक अल्कोहल एक वसीय अम्ल का लवण बनता है, यानी कि एक अल्कोहल बनेगा, एक वसीय अम्ल का लवण बनेगा, और प्लस एक क्या बनेगा, एक आपका अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। ये क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड, जब एक एल्डिहाइड किससे NaOH के साथ मिलाया जाता है या NaOH के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है या NaOH के साथ क्रिया करता है तो एक वसीय अम्ल का लवण तथा एक अल्कोहल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपकी ये रिएक्शन बनाने सीखते हैं हम। रिएक्शन बनाने के लिए यानी कोई भी एक एल्डिहाइड ले लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड का मतलब क्या है, एक हमने ले लिया आपका HCHO, ठीक है। ये कौन सा है, ये फार्मेल्डिहाइड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसकी क्रिया हमने किससे करा दी, NaOH के साथ करा दी, तो एक तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा, तो इसके बनेगा CH3OH बना दीजिए, ठीक है, प्लस, ठीक है। और एक क्या बनता है, एक वसीय अम्ल बनता है। वसीय अम्ल क्या होता है, वसीय अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका HRCOOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCOONA, ठीक है, वसीय अम्ल का लवण, ठीक है। लवण का मतलब क्या है, किसी का भी लवण बनेगा, जैसे हमने ये सोडियम लिया है, वसीय अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी जो क्रिया हमने कराई थी, ये क्या है, 2HCO HCHO यानी फार्मेल्डिहाइड, इस क्रिया को संतुलित करिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक सी के साथ में कितने एच हैं, यहाँ पे हैं 4H, और यहाँ पे आपके 2H हैं, तो 2 को 4 बनाने के लिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 4 हो गए, क्लियर होगी बात। 1H ये आ गया, और देखिएगा 2O हैं, यानी O के साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2O ये आ गए, ठीक है। 1O ये वाला था, ये यहाँ पर आ गया, Na ये यहाँ पर आ गया। तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका एक एल्कोहल बन गया, जिसका नाम होगा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ठीक है, मैथिल एल्कोहल बन गया। और ये क्या है आपका, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है, ये सोडियम लवण है, सोडियम फार्मेट इसको बोलेंगे हम, ठीक है। आपका ध्यान रख लेना, ये सोडियम फार्मेट होता है, तो हमें इसका पूरा नाम नहीं लिखेगा, हम लिख देंगे वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण, सोडियम भी ना लिखो तो आप लवण लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये क्रिया, आई होप कि ये क्रिया आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, और साथ ही साथ इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको, देखो यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका, ये है आपका, दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, अभी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये सभी एल्डिहाइड होते हैं, को सांद्र NOH के साथ गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया में या इस क्रिया में एल्कोहल तथा एक वसी अम्ल का लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया आपकी क्लियर हो गई ना, हो गई, ये कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इसमें वही क्रिया है जो अभी हमने समझा दिया है, 2HCHO + NOH, तो ये CH3OH मैथिल एल्कोहल बन गया, और ये सारा का सारा यहाँ पे HCOONa, ठीक है, HCOONa ये आपका सोडियम फार्मेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बस एक चीज़ में दिग्ध आउट हो रहा होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब ये है कि जो पहला कार्बन जो होता है उसको हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये सी और एक सी और यहाँ पे सी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका CH3 है, CH2 है, मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, तो जो पहले नंबर का जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के साथ में कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये चीज़ है, यानी पहले कार्बन पर आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आपका, तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये क्रिया कहलाएगी आपकी कैनिजारो क्रिया कहलाती है।